मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन तक कवरअप किए जाएंगे। कुल मिलाकर 30 प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला होगी। अभी तक इसके पहले के क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में कवरअप किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को, उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर आप बाकी के वीडियो को देख सकते हैं। तो एग्जाम के पहले तक लगातार ये प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला चलती रहेगी विथ एक्सप्लेनेशन। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाला है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले या फिर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो दिया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाए। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन है, बल्बिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, पत्रकंद एक रूपांतरण है। चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अंडरग्राउंड स्टेम, बी बेसिस ऑफ लीव्स, सी बर्ड्स, डी रेडिकल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बल्बिल्स क्या है, पत्रकंद क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। जो पत्रकंद एक भूमिगत तने का रूपांतरण है। अगर इसके विषय में बात की जाए जैसे लहसुन हो गया, रतालू हो गया, अनानास हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं मूलांकुर क्या होता है। बीजों के अंकुरण के समय ही मूलांकुर का निर्माण होता है, जो प्रकाश के विपरीत लेकिन जल व भूमि की ओर बढ़ता है और आगे चलकर जड़ का निर्माण करता। और अगर प्रांकुर के विषय में कहा जाए तो बीजों के अंकुरण के समय ही प्रांकुर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर तने का निर्माण करते हैं। अब चलिए बात करते हैं भूमि के तने कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो ट्यूबर या कंद, जैसे कि कंद बोलते हैं या ट्यूबर बोलते हैं, तो ऐसे कौन से तने हैं ट्यूबर के, भूमिगत तने, जैसे आलू हो जाएगा। और बल्ब यानी शकरकंद के विषय में बात की जाए, क्या बोलते हैं, बल्ब। बल्ब क्या होगा, जैसे प्याज और लहसुन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉर्न, कॉर्न मतलब घनकंद बोलते हैं, तो घनकंद में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बंडा आ जाएगा, अरबी आ जाएगा, जिमीकंद आ जाएगा, केसर आ जाएगा घनकंद के। और एक होता है प्रकंद, प्रकंद के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, हल्दी, अदरक, केला और फर्न। तो ये सब भूमिगत तने के अंतर्गत आ जाएंगे। सो दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रेफर्स टू, पेट्रोक्रॉप रोपर संदर्भित हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टेबलाइजिंग गोबर गैस प्लांट, बी है प्लांटिंग फास्ट ग्रोविंग ट्रीज, सी है प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट एंड ऑप्शन नंबर डी है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रिफर्स टू। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका 62 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट, हाइड्रोकार्बन बहुल करने वाले पादप रोपर से क्या होता है, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रेफर्स होता है। तो अगर इसके विषय में बात की जाए, जो पेट्रो फसल रोपर सदाबहार प्रकृति के होते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। पेट्रो फसल रोपर हाइड्रोकार्बन बहुल करने वाले पादप रोपर से संदर्भित हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबस्टा बिलोंग टू द फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबस्टा किस कुल का है। ऑप्शन देखिएगा, फैबेसी, बी है वर्बिनेसी, सी है रूबिएसी, डी है डिप्टेरोकार्पेसी। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्टेरोकार्पेसिस का राइट आंसर हो जाएगा। सोरिया रोबस्टा जिसे साल, साकुला, वृक्ष भी कहा जाता है, डिप्टेरोकार्पेसी कुल से संबंधित है। साल भारत में इमारती लकड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी लकड़ी का उपयोग मुख्यतः दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिक एसिड, बी इथाइल थायोसाइनेट, सी एलिल
आइसोथायोसाइनेट डी लिनोसोरिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 64 का, पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरसों के तेल का तीखापन एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। कुछ और बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन इसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। देखिएगा, मूली का तीखापन किसके कारण होता है कई बार पूछा जाता है, तो मूली में भी जो तीखापन पाया जाता है वो आइसोसाइनेट, तो याद रखेंगे आइसोसाइनेट, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछता है मिर्च का तीखापन, तो मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन, तो याद रखेंगे मिर्च का कैप्सेसिन, कैप्सेसिन। आगे देखें, लहसुन में जो गंध होता है, लहसुन में गंध किसके कारण से होता है, तो लहसुन का गंध होता है एलाइसिन के कारण, याद रखेंगे एलाइसिन। और देखें, आलू का हरा रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, तो सोलेनेसी से आप याद रखेंगे सोलेनिन। प्याज में जो लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन, प्याज में लाल रंग किससे होता है, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। और जो मिर्च का लाल रंग होता है उसको आप जानने, कैप्सेनथिन, क्या है, कैप्सेनथिन, कैप्सेनथिन। और देखिएगा, हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण से होता है, कुरकुमिन, कुरकुमिन, ये याद रखेंगे आप। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे, गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, क्या होगा, एंथ्रोसाइनिन, गाजर का लाल रंग। और अरवी में जो हल्का सा कनकनाहट होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, अरवी का कनकनाहट किसके वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। क्वेश्चन है, लिक्विड वैक्स कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम, तरल मोम प्राप्त की जा सकती है। चार ऑप्शन है, यक्का ग्लोरियोसा, बी है थेवेसिया नेरिफोलिया, सी है जुजोबा और डी है हेलियंथस एनस। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुजोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोम कार्बनिक यौगिक की विविध वर्ग में आते हैं। ये वसा में घुलनशील आघात वर्धनी वसी अम्ल एवं वसी अल्कोहल होते हैं। द्रवीय मोम जोजाबा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। क्वेश्चन है, मोनोथीकस एंथस और फाउंडिन एक कोष्ठी पराग कोष पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं हेलियंथस ब्रैसिका सोलेनम हिबिस्कस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिबिस्कस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोथीकस एंथर मालवेसी परिवार में पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हिबिस्कस या गुड़हल आता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। क्वेश्चन है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ, वही पूल संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्हीट, बी निकेंथिस, सी टीनोस्पोरा, डी कुकुरबिट्स। राइट आंसर क्या होगा इसका 67 का, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी निकेंथिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल निकेंथिस के तने में पाए जाते हैं। निकेंथिस पुष्प देने वाला वृक्ष है, इसे हर श्रृंगार सैफाली सीउली आदि नामों से जाना जाता है। इसके फूल पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, ग्रास स्टेम इलांगेट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ, साकी तना के सक्रियण से लंबा यानी वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मेरिस्टेम, बी लेटरल मेरिस्टेम, सी इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड डी एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास स्टेम इलांगेट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसके एक्टिविटी से ग्रास का स्टेम इलांगेट्स करता है,
तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, आंतरिक विभाज्योतकी के कारण जो है इलांगेट इलांगेट की एक्टिविटी करता है। तो साकी तना आंतरिक विभाज्योतकी के सक्रियण से बढ़ता है। कई एक बीजपत्री साकी पौधे, विशेषता साकी पौधे के तने एवं पत्तियाँ, पत्तियों में ये ऊतक पाए जाते हैं, कौन सा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। क्वेश्चन है गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स जायांग प्रदर्शित करता है, ऑप्शन देखिएगा, ओवरीज विथ फ्यूज्ड स्टिग्मा, बी ओवरीज विथ फ्यूज्ड स्टाइल, सी ए सिंगल कार्पेल, डी द होल ऑफ कार्पेल, अंडपो का चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए, गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या है, ओवरीज विथ फ्यूज्ड स्टिग्मा, जायांग संयुक्त वर्टिकाग्र युक्त अंडाशय होता है। जायांग अंडपो के चक्र को प्रदर्शित करता है। जायांग मादा जनन अंग है जिसके तीन भाग पाए जाते हैं, और तीन भाग कौन कौन से होते हैं देखिएगा, एक होता है स्टाइल, स्टाइल का मतलब वर्टिका, दूसरा क्या होता है स्टिग्मा, और तीसरा क्या होता है ओवरी। अंडाशय गोलाकार या अंडाकार संरचना होती हैं जो निषेचन के बाद परिपक्व होकर सत्य फल का निर्माण करती हैं, अर्थात अंडाशय से बनने वाले फल सत्य फल कहलाते हैं। स्टिग्मा वर्टिकाग्र का जो पूरा अपर वाला जो स्थान होता है, शीर्षस्थ स्थान जिसको बोलते हैं, जो पराकणों को ग्रहण करता है, और वर्टिका क्या होती है, यह अंडाशय की ऊपरी नलिकाकार भाग होती है, कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे वैसे बनता है। तो यहाँ से जो है एक नली बनती है जिसको पराग नली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस फाइटोक्रोम, निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए एल्गी, बी फंजाई, सी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें इसके राइट आंसर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म में क्या होता है फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम वर्णक होता है एंजियोस्पर्म पौधों में पाया जाता है, और पिगमेंट फाइटोक्रोम मक्का जव बाजरा के सीडलिंग से प्राप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन देखिएगा, इलांगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलामस बिटवीन कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज, बाह्यदल वदलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन वृंत कहलाता है, ऑप्शन है एंड्रोफोर, बी एंथोफोर, सी एंड्रोगाइनोफोर, डी कार्पोफोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथोफोर। क्या क्वेश्चन था, इलांगेटेड इंटरनोड्स ऑफ थैलमस बिटवीन कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर एंथोफोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलमस में तीन इंटरनोड जो कि संकुचित होते हैं, लेकिन कुछ पुष्प में यह इलांगेटेड हो जाता है। प्रथम इंटरनोड जो बाह्यदल का दलपुंज के मध्य है उसे क्या बोलते हैं, एंथोफोर, और जो दूसरे इंटरनोड जो कि कोरोला और एंड्रोसियम के मध्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला और एंड्रोसियम के मध्य जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एंड्रोफोर, उसको ये वाला बोलते हैं एंड्रोफोर, या जो है क्या बोलते हैं, गाइनोएंड्रोफोर बोलते हैं। और तीसरा इंटरनोड जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के मध्य पाया जाता है इसको गाइनोफोर बोलते हैं, गाइनोफोर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द बोटेनिकल नेम ऑफ ट्रेवलर्स ट्री इज, ट्रेवलर्स ट्री का वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए मूसा टेक्सटाइल्स, बी कैरिका पपाया, सी अगेव अमेरिकाना, डी रेवेनाला मेडागास्केरेंसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या है, रेवेनाला मेडागास्केरेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेवेनाला मेडागास्केरेंसिस को सामान्यतः ट्रेवलर्स ट्री के नाम से जाना जाता है। यह स्ट्रेलाइजिएसी कुल का पौधा है। यह मेडागास्कर में पाई जाती है, और इस पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 8 मीटर से अधिक होती है। कितने, 8 मीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, क्वेश्चन है
कैपिटुलम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, किस कुल के सदस्यों में मुंडक पाया जाता है? ऑप्शन है रैनकुलेसी, बी सोलेनेसी, सी एस्टरेसी, डी लेविएटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्टरेसी। कंपोजिटी अथवा एस्टरेसी कुल के पौधों में कैपिटुलम पाया जाता है। कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम एस्टरेसी कुल की विशेषता है और इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक होता है रे और दूसरा होता है डिस्क, यानी रे फ्लावर और डिस्क फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय किंगस्टन एंड लैंग फ्रॉम द डिवोनियन। निम्नलिखित में से किसे किंगस्टन तथा लैंग ने डिवोनियन काल से वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर ए राइनिया, बी लेपिडोडेंड्रॉन, सी लेपिडोकार्पन, डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है तो आप क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइनिया का वर्णन क्रिसन एवं लॉन्ग ने डिवोनियन काल से किया था। इन पौधों को आद्य संवहनी पादप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है कैरेक्टर्स ऑफ बोथ कॉनिफर्स एंड साइकडीस आर फाउंड इन। कॉनिफर्स और साइकडीस दोनों के गुण पाए जाते हैं जिंगो में, इफेड्रा में, क्यूप्रेसस में, सूगा में। राइट आंसर होगा इसका जिंगो को हम बोलते हैं जिंगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉनिफर्स और साइकेट्स दोनों के गुण जिंगो में पाए जाते हैं। जिंगो बाइलोवा जिसे सामान्यतः जिंको के रूप में जाना जाता है, जिसे मेडन हेयर पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। जिंगो बाइलोवा एकमात्र जीवित प्रजाति हैं, अन्य सभी विलुप्त हैं। यह चीन में मूल रूप से पाई जाती हैं। इसको परंपरागत चिकित्सा और भोजन के स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। क्वेश्चन है सिलेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। सिलेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? ए हेटरोस्पोरी, सोराई, सिफोनोस्टील एंड हेटरोफिली। ऑप्शन नंबर बी है हेटरोस्पोरी, राइजोफोर, लेग्युलेट लीव्स एंड ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द एबव एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये है तो मुख्य रूप से यही दो हैं। सिलेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है बताइए। लास्ट के जो सी हैं बोथ हैं और ऑप्शन डी हैं नन ऑफ द एबव, ये ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी क्या है? हेटरोस्पोरी, राइजोफोर, लेग्युलेट लीव्स एंड ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संबंध किससे होता है? जो सिलेजिनेला होता है इसका संबंध होता है सिलेजिनेसी कुल से। यह एक स्पाइक मास या लेजर क्लब मास है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्रायोफाइटा। निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए स्टोनवर्ट, बी लिवरवर्ट, सी हार्नवर्ट, डी ऑल द एबव। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोनवर्ट है जो ब्रायोफाइटा में नहीं आता है। और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लीवरवर्ट, हार्नवर्ट आते हैं, लीवरवर्ट, हार्नवर्ट आते हैं, जबकि स्टोनवर्ट किस में आता है? ये आता है शैवाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। क्वेश्चन है इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड इसीडियम आर मोड ऑफ। लाइकेन में सोरेडियम इसीडियम साधन है। ऑप्शन नंबर ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेरिडियम, सिफेलोडियम एंड इसीडियम ये कौन सा मोड है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। लाइकेन को क्या सैक भी बोलते हैं? सैक में सेरिडियम, सिफेलोडियम, इसीडियम अलैंगिक प्रजनन के साधन हैं।
कली जैसी बाहरी उभार को सोरेरिया कहते हैं, जो थैलस के सतह पर विकसित होता है। सेफेलोडियम छोटी यानी वार्ट लाइक संरचना है जो थैलस की सतह पर विकसित होता है, इसलिए एक छोटी स्टाक ग्रेजियस ब्लैक कोरल जैसी बाहरी उभार है जो अस्तर के ऊपरी भाग पर विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, क्वेश्चन है द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कायरा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, कायरा के कोशिका द्रव्य में चक्रीय गति देखी जा सकती है, ए एंडोप्लाज्म, बी एक्सोप्लाज्म, सी माइटोकांड्रिया, डी हाइलोप्लाज्म। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्म। जीव द्रव्य गति को चक्रीय गति कहा जाता है। चक्रीय गति साइटोसोल का कवक एवं अन्य पादप कोशिका में प्रत्यक्ष बहाव होता है। कारा में चक्रीय गति एंडोप्लाज्म में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफेरी कुल में सफ़ेद किट बीमारी का कारक है, कारक जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कई बार पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया, बी है एल्ब्यूगो, सी है सिनकाइट्रियम, डी है फाइटोथोरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्ब्यूगो। काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर क्या होगा, एल्ब्यूगो। अनेक क्रूसीफेरस पौधों में सफ़ेद किट रोग एक घातक रोग है। यह रोग सरसों, मूली, पत्ता गोभी, सलजम आदि में होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा इस रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, टी आई प्लाज्मिड आर प्रेजेंटिन, टी आई प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, ए एग्रोबैक्टीरियम, बी सिम्बीडियम, सी डेंड्रोबियम, डी सिजीजियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर होगा। टी आई प्लाज्मिड ओंकोजोनिक होते हैं जिससे ट्यूमर निर्माण करने की क्षमता होती है। टी आई ओंकोजीन को ही टी आई प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में पाया जाता है। पौधों में इसके संक्रमण से उनके कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है जिससे पौधों में अनेक उभार बन जाते हैं और उस उभार को क्या बोलते हैं, क्राउन गाल। तो ये याद रखेंगे, क्राउन गाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, क्वेश्चन है एन एंटीवायरल सबस्टेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसको जाना जाता है किस नाम से। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफेरॉन, बी एंटीबॉडी, सी इंसुलिन, डी इंटरफेरॉन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफेरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफेरॉन एक एंटीवायरल पदार्थ है जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है। रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन को फिर से दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एंटीवायरल सबस्टेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ट्रांसफेरॉन, एंटीबॉडी, इंसुलिन, इंटरफेरॉन। तो इसका राइट आंसर इंटरफेरॉन हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर इंटरफेरॉन होगा। क्यों, क्योंकि इंटरफेरॉन क्या होता है, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं जो अपने बगल की कोशिका को क्या करती हैं, वायरस के संक्रमण से रोकती हैं। तो राइट आंसर आई थिंक ये होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के 82 का कमेंट कीजिएगा। मुझे मेरे हिसाब से लगता है यही होगा, क्योंकि आइसेक्स और लिंडमैन ने 1957 में जो है इसके इंटरफेरॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आप क्लियर करें, और जहां तक मुझे लगता है ये इंटरफेरॉन ही होगा, निश्चित इंटरफेरॉन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है
रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है। ऑप्शन देखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बी हैं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सी हैं, इन एक्टिवेशन ऑफ नर्व डी हैं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, इन एक्टिवेशन ऑफ नर्व, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण जो कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु होती है। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण होती है। कोबरा अफ्रीकी एवं एशिया के देशों में पाया जाता है। यह अन्य सर्पों की अपेक्षा सर्वाधिक विषैला एवं घातक सर्प है। यह पुराने मकानों एवं खंडहरों जहां चूहे बहुतायत में हो, बिलों व दरारों आदि में रहता है। भारत में पाया जाने वाला कोबरा जनसाधारण के बीच नाग नाम से जाना जाता है। कोबरा का विष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम विशेषकर चालक तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से हृदय की क्रिया विधि तथा श्वसन की क्रिया धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है और अंत में हृदय की गति रुक जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के कारण इसे न्यूरोटॉक्सिक या तंत्रिका आवीसी कहते हैं। वाइपर सर्प का विष क्रैट बोलते हैं जिसको, सर्प का विष हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें विष रुधिर परिवहन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से रुधिर वाहिनियां एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा सूजन शुरू हो जाती हैं। इन कोबरा दंश को आप ध्यान में रखेंगे, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है और जो है इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व करता है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ स्कैरिस इज, स्कैरिस की उत्सर्जी रचना होती है एच शेप्ड, ओ शेप्ड, टी शेप्ड, एस शेप्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच शेप्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैरिस एक निमेटोडा संघ का जीव है जो मानव के छोटी आंत में परजीवी के रूप में रहता है। इसमें स्वतंत्र तंत्र और प्रसंस्करण तंत्र अनुपस्थित होता है। स्कैरिस के उत्सर्जी तंत्र में यच आकार के, जो यच से भी यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए, यच आकार के उत्सर्जी अंग जो कि रेनेट सेल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कई बार यही क्वेश्चन में पूछता है, रेनेट सेल में पाए जाते हैं और जिसमें चार न्यूक्लियाई होते हैं। ये यूरिया और अमोनिया दोनों का एक्सक्रेशन करते हैं, दोनों का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए फैट, बी स्टार्च, सी शुगर, डी प्रोटीन्स। हाइड्रा मतलब इनमें से कोई तीन है जिसको पचा सकता है लेकिन एक ऐसा है जिसे वो पचा नहीं सकता है, कैन नॉट डाइजेस्ट, कौन सा है राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा को पचा सकता है लेकिन स्टार्च को पचा नहीं पाता, क्योंकि हाइड्रा में लार युक्त एमाइलेज यानी सेलाइवरी एमाइलेज एवं अग्न्याशयी एमाइलेज यानी पैंक्रियाटिक एमाइलेज नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज, अलवणीय जल का स्पंज है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा, स्पॉन्जिला, बी ग्रेंसिया, सी यूप्लेक्टेला, डी यू स्पॉन्जिया। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है इसमें बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज इसको कहा जाता है, यह एक कॉलोनियल स्पंज है। और यूप्लेक्टेला के विषय में बात किया जाए तो यूप्लेक्टेला एक अत्यंत सुंदर समुद्री स्पंज है जिसे क्या बोलते हैं, फूलों की टोकरी भी बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट इसको बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, वीनस फ्लावर बास्केट किसको कहा जाता है, यूप्लेक्टेला को, यानी फूल वीनस की फूलों की टोकरी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, क्वेश्चन है
क्वेश्चन देखिएगा, टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नॉमनक्लेचर आर, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए फैमिली एंड जीनस, बी ऑर्डर एंड फैमिली, सी जीनस एंड स्पीसीज, डी स्पीसीज एंड वैरायटी। बताइएगा टू वर्ड्स कंप्राइजेज बाइनोमियल नॉमनक्लेचर कौन सा होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीनस एंड स्पीसीज, जाति और जाति वंश और प्रजाति इसको बोलते हैं। द्विनाम पद्धति किसने दिया था, जो है कैरोलस लिनियस ने, कितने सन में, सन 1758 में। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। और इन्होंने बताया है कि किसी भी जुदारी का नाम दो शब्द होगा, एक होगा जीनस यानी जिसको वंश डिनोट करेगा और दूसरा स्पीसीज, जैसे कि इसमें तमाम हैं, जैसे आम का मैंगी फेरा इंडिका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। क्वेश्चन है लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, पद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं, किस गण में रखे गए हैं। ऑप्शन है एन्यूरा, बी यूरोडिला, सी जिम्नोफियोना, डी ननाब्दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोफियोना। बहुत ही एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना क्या होता है, लिम्बलेस एम्फीबियन इसमें रखे गए हैं सी ऑर्डर में, पादविहीन एम्फीबिया प्राणी जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। अब इसमें क्या होता है, यह बिलों में रहने वाले पादविहीन उभयचर हैं, शरीर लंबा संकरा देखने में किचुए जैसा होता है, पादों में मेखलाएँ नहीं पाई जाती हैं, इनमें पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती हैं, नर शरीर में शरीर के पश्च छोर पर अवस्कर द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे इक्थियोफिस। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाई, मृदा की क्षारीयता मापी जाती है। बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए पोटोमीटर, बी पोरोमीटर, सी कैलोरीमीटर, डी कंडक्टिविटी मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्या होती है, सॉइल सैलिनिटी मापी जाती है, मतलब मृदा की क्षारीयता मापी जाती है। और अगर बात की जाए तो पोरोमीटर से क्या होता है, पोरोमीटर से सापेक्षिक माप रंध्र का मापन होता है। तो ये याद रखेंगे, सापेक्षिक माप रंध्र का मापन होता है। और देखिएगा, और जो है इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है यानी विद्युत कंडक्टिविटी है, ये मिट्टी की अम्लता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1973, बी 1972, सी 1975, डी 1974। राइट आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1974 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट हुआ। साइटोफिलस ओराजी को जो है देखते हैं, 1 अप्रैल 1973 भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ, कब, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल को। इस योजना का उद्देश्य बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, नागार्जुन सागर श्री सैलम अभ्यारण्य, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर।